हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर उनके पर्सन से उनकी बातचीत बंद है किसी भी कारण से, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस रिश्ते में या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये रीडिंग आज वेट और मूव ऑन पर होगी, जिसमें आपको लेकर जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं पहले हम वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि आपको लेकर इनके मन में क्या है, क्या ये वापस आना भी चाहते हैं या नहीं, आपका वेट करना क्या सही है या नहीं। बहुत स्लिपरी डेक है ये, नया वाला डिस्को करता है बहुत। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जिस भी व्यक्ति को सोचकर वो ये रीडिंग्स देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। क्या वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं वापस आने में, क्या आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या इस रिश्ते में वेट करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादा ही शाइन है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट खूबसूरत कार्ड है। देखते हैं आपको लेकर एनर्जी क्या है और फिर हम शुरू करेंगे रीडिंग। इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा। सो गाइज, सबसे पहले इनकी एनर्जी बताती हूँ आपको कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर की रीडिंग करेंगे। तो आपको लेकर इनका जो एनर्जी है वो ये है कि सबसे पहले तो ये ऑल टाइड अप की वाइब्स है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में जकड़े हुए हैं बुरी तरीके से, जैसे कोई कैद हो किसी सिचुएशन में। सो ऑल टाइड अप की वाइब्स है, ये बंधन में बंधे हुए हैं किसी, और उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं बट मुक्त हो नहीं पा रहे। ये भी नज़र आ रहा कि आपके पर्सन की दुनिया आपसे है, इनकी लाइफ में आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो इनकी लाइफ में सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वाली वाइब्स है इनके दिल में आपके लिए, ये जज्बात है, लेकिन ये बताते नहीं हैं या बताती नहीं हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, ये खुलकर बोल नहीं पाते कि आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह हो जिन्होंने इनकी लाइफ में हमेशा चार चांद लगाए हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बनकर आए हो जिन्होंने हमेशा इनको प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव। आपने इनको ब्लेस किया है अपने प्यार से, और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा आपकी ये केयर करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आप इनको इंस्पायर करते हो, ठीक है। आपके ऑरा से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। साथ ही साथ इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपसे कह देना चाहती हैं या कह देना चाहते हैं, बट इन्होंने बहुत कुछ दबा कर रखा है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब सही वक्त आएगा तो ये ओपन होंगे पूरी तरीके से आपके सामने, अपने दिल को खोल कर रखेंगे और ये सब कुछ बताएंगे कि आखिर ये आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ये आपको खो न दे, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है उसके कारण आपको बहुत सब्र रखना पड़ रहा है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है, और आजकल के वक्त में इतना सब्र किसी में है नहीं। तो इनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं खो दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं और तब इनको रियलाइज़ हो कि मैंने क्या कर दिया। तो ये कई बार बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं अपनी सिचुएशन से। अब बात करते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या ये वापस आएंगे, इनके मन में क्या है। तो इनके मन में पहली ही एनर्जी है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं ताकि आपके लिए स्टैंड ले सके, इस रिश्ते में खरा उतर सके।
ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक नेचर के हों, बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे हों, हाई अथॉरिटेटिव एनर्जी हो या पब्लिक इमेज हों, या इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जिसके कारण ये ओपनली सब कुछ नहीं बता पा रहे हैं, चीज़ों को क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हैं, समय ले रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि द वर्ड और द वर्ड दोनों तरफ से आया है। आपके पर्सन जानते हैं कि एक ना एक दिन यूनियन आपके साथ होना है, अगर ये डेस्टिनी में है तो ये होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। बीच बीच में इनका मन करता है अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ जाएं, आपको मैसेजेस कर दें, आपको कांटेक्ट कर लें, कॉल कर दें, तो ये बीच बीच में हो सकता है वापस भी आ जाते हो, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं तो मूव ऑन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बट ये बंदा फिर से वापस आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो कई लोग कंफ्यूज हैं कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, हो सकता है आपकी लाइफ में डिफरेंट ऑप्शंस हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हों या प्रपोजल्स हों, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस बंदे को या इस बंदी को टाइम देना चाहिए। अगर ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या आपको इन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इनको इनके हाल पर छोड़कर कि हाँ ठीक है अगर तुमको मेरे से नहीं बात करनी है, मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ। बट जब ये वापस आ जाते हैं आप रुक जाते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब क्या करें। ये भी नज़र आ रहा है कि इनके मन में ये भावना है कि मुझे कमिटमेंट देना है, इनके मन में ये भी है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको मूव ऑन होते भी नहीं देखना चाहते, तो ये वाली वाइब्स है। जैसे ही आप मूव ऑन होने की सोचोगे ये बंदा रिटर्न आ जाएगा या रिटर्न आ जाएगी। देखते हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं आपको क्या करना चाहिए, तो क्या आपको वेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब तक, कब तक वेट करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। एंजल्स ने कहा है कि अगर आने वाले 8 दिन के अंदर या 8 हफ्ते मैक्सिमम, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग को आप देखेंगे तो मिनिमम 8 डेज या मैक्सिमम 8 वीक्स, टाइमलेस रीडिंग है, तो 8 दिन या 8 हफ्ते मैक्सिमम आप इस रिश्ते को दे सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर 8 दिन के अंदर या 8 हफ्ते के अंदर आपका पर्सन लौट कर वापस नहीं आता है, आपको क्लैरिटी नहीं देता है, तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है। चाहे आप कितनी भी केयर करते हो, कितना भी आप इनसे प्यार करते हो, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको ब्लेम नहीं करना है, इसे अपनी डेस्टिनी मानना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर मैसेजेस आ जाते हैं, कॉल्स आ जाते हैं, तो फिर आप इस रिश्ते में मूव ऑन मत कीजिए। आप इनको समय देना है, इनकी बात सुनिए कि आखिर ये आपसे क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं, इनके पास क्या एक्सक्यूज़ है आपके लिए, और उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगी, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन मजबूर हैं लेकिन प्यार बहुत करते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स के कारण नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर ये मजबूर हैं और कुछ ऑब्स्टिकल्स के कारण नहीं आ पा रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स हटते ही आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इतना टाइम पीरियड दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपको इनकी तरफ से पता चल जाता है कि ये किसी मुश्किल हालात में है जिसके कारण ये नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं, बट आने वाले समय में ये पक्का रिटर्न आएंगे, परमानेंटली आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और ये आपकी बहुत केयर करते हैं, आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो ये जानने के बाद मूव ऑन ना करें तो ज़्यादा बेटर है, फिर भी आपकी मर्ज़ी है। और ये खुद आपको एक्सप्रेस करेंगे कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न्स, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ये नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं। एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करूंगी, अगर बिना किसी रीज़न के आपके पर्सन शांत ही रहते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं और 8 वीक्स बीत जाते हैं, तो क्या ये रिश्ता ख़त्म समझना चाहिए? जी बिल्कुल, तब आप समझ जाइए कि ये बंदा या बंदी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और इस रिश्ते में आपको धोखा मिल चुका है, ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी के नाम से नहीं है, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि एंजल से आपको क्लियर कट गाइडेंस दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।